दीपावली वाले वीडियो के बाद आज आप लोगों से मिल रही हूँ। और जो लोग भाई दूज सेलिब्रेट करते हैं, आई होप उन लोगों ने भाई दूज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी। और जिन लोगों की अभी छठ पूजा होती है, आई होप उन लोगों ने भी छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाया होगा। हम लोगों ने भी भाई दूज बना लिया, हमारी छठ पूजा भी हो गई है और मैंने अपना बर्थडे भी मना लिया। और इस बार पूजा में ऐसा हो गया था, जिस दिन हम लोगों ने भाई दूज सेलिब्रेट करा था उस दिन तक तो सब कुछ ठीक था और हम लोगों ने छठ पूजा की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ छठ पूजा की तैयारी बहुत पहले से होती है। और जिन लोगों के यहाँ भी छठ पूजा होती है उनको पता है कि हमारे लिए छठ पूजा का क्या महत्व है, हम लोग छठ पूजा कितने धूमधाम से मनाते हैं, हमारे लिए महापर्व है। और इसकी तैयारी हम लोग बहुत पहले से शुरू कर देते हैं, तो तैयारियाँ वगैरह चल रही थी। लेकिन उसी टाइम में हमारे एक रिलेटिव की डेथ हो गई और इसी वजह से हम लोग को 13 दिन तक पूजा का कुछ भी टच नहीं करना था, मतलब पूजा वगैरह हमें नहीं करना था। और छठ पूजा में कोई दूसरा आपके लिए पूजा कर सकता है, तो इसी वजह से हम लोग पूजा का सामान वगैरह टच तो नहीं कर रहे थे। कहीं किसी और ने हमारे लिए पूजा करी, तो जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं वो हम लोगों ने नहीं किया और हमारी जगह पे किसी और ने ये पूजा किया। इस तरह से हम लोगों ने छठ पूजा मनाया। हम लोग हमारे खुद के कैंपस में ही छठ पूजा होती है और लोग आकर यहाँ पर पूजा करते हैं। हम लोग वहीं पर थे लेकिन हम लोग पूजा का सामान वगैरह टच नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ भी छुआ नहीं, दूर से रहकर हम लोगों ने पूजा देखा। तो ऐसी हमारी पूजा मनी। और जिस दिन छठ पूजा की शाम वाली पूजा थी उसी दिन मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे की भी तैयारी मैंने कुछ भी नहीं करी थी, क्योंकि छठ पूजा से एक दिन पहले ही नवनिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, दोनों को फीवर हो गया था, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और छठ पूजा के शाम वाली पूजा के दिन सब कुछ बनता, सारे शॉप्स बनते, कुछ ही शॉप्स खुले हुए थे, तो मेरे हस्बैंड जाकर केक लेकर आए, जस्ट जो भी केक वहाँ पर मिल रहा था उस पर मेरा नाम लिखवा कर लेकर आए। तो इसलिए कुछ भी तैयारियाँ नहीं करी, बस ऐसे ही बालकनी में आकर हम लोगों ने बर्थडे मना लिया। तो यही है, और बच्चों का बर्थडे भी आ रहा है। पहले तो बहुत कुछ सोचा था बच्चों के बर्थडे के लिए, जैसा कि आप सबको पता है कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, उल्टा और बढ़ ही गया है। जो भी हम लोगों ने सोचा था तो वो सब अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो देखती हूँ क्या करूँगी। जो भी कुछ करूँगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी, तो अभी नहीं पता क्या करने वाली हूँ। अभी मैं अपने फेवरेट जगह बालकनी में हूँ, ये जगह मेरा फेवरेट हो गया है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। और मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर यहाँ के कुछ पिक्चर्स डाले थे, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपने बालकनी टूर का वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी उस वीडियो में आपको डिटेल में बताने का कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कैसे रखी है, कैसे सब कुछ अरेंज किया है। तो यही है, और आज मैं आप लोगों के साथ भाई दूज वाले दिन की क्लिपिंग्स, छठ पूजा वाले दिन की क्लिपिंग्स और अपने बर्थडे वाले दिन की क्लिपिंग्स शेयर करने वाली हूँ। इन सारे दिन की क्लिपिंग्स आपको थोड़ी थोड़ी आज वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। तो यही, तो चलिए अभी आप वीडियो देखिए। ये भाई दूज के दिन की वीडियो है। मैंने आपको पिछले साल भी भाई दूज वाले दिन बताया हुआ था कि हमारे यहाँ भाई दूज ऐसे मनाते हैं। अभी हम लोग भाई दूज वाले दिन चित्रगुप्त पूजा कर रहे हैं। Thank you.
और अभी नियाना भाई दूज सेलिब्रेट करेंगे। ये छठ पूजा के शाम वाले दिन की वीडियो है। ये छठ पूजा के सुबह वाले दिन की वीडियो है। पूजा खत्म हो चुकी है और ये छठ पूजा को करने के लिए जो घाट बना था वो है। ये कितना सूना सूना सा लग रहा है, सब कुछ बहुत ही सूना हो गया है। जब छठ पूजा हो रही थी तब यहाँ कुछ अलग ही रौनक थी, अभी बहुत ही खाली खाली सा लग रहा है। और ये मेरे बर्थडे वाले शाम की वीडियो है। निया की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो एंजॉय भी नहीं कर पा रही है। ये थी मेरी आज की ये मिली जुली हुई सी वीडियो और अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।